यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए, बिटसेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं, कितना अच्छा क्वेश्चन है पूछा है, yx इक्वल टू 1 प्लस dy बाई dx, 1 टू dy बाई dx का होल स्क्वायर, 1 टू 3 dy बाई dx का होल क्यूब, ऐसा ये इन्फाइनेट तक जा रहा है। अब इस क्वेश्चन को देख के समझिए, अगर इसको थोड़ी देर के लिए t समझो तो ये 1 प्लस t प्लस t स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस t क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 ऐसे ही है, यानी आप ऐसा भी बोल सकते हैं y इक्वल टू e पावर dy बाय dx, ये एक्सपोनेंशियल सीरीज हो गई, और अगर इसका लॉग ले लो तो डी वाई बाई डी एक्स बचेगा, यानी डिग्री हो गई 1। आप इसका जब ऐसा लिखा है वाई इक्वल टू ई डी वाई बाई डी एक्स, आपने लॉग लिया तो लॉग वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, तो डिग्री कितनी हो गई 1। दिस इज द राइट आंसर, राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिमिट थीटा टेंस टू 0 4 थीटा इंटू 10 थीटा माइनस 2 थीटा टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस 2 थीटा। क्वेश्चन काफी सिंपल है, समझिएगा क्या करना है। आपको मैंने बताया हुआ है x टेंस टू 0 पे साइन x को डायरेक्टली चाहे तो x लिख दें, टेन x को x लिख दें, यूज करिए कंसेप्ट को। ये 4 थीटा है, चाहे तो इसको लिख सकते हैं थीटा, और ये एक और थीटा तो माइनस 2 थीटा स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, राइट, क्योंकि थीटा है तो थीटा स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, देखिए एक कैंसिल तो 2 हो गया, तो 2 थीटा इंटू थीटा माइनस 2 थीटा स्क्वायर अपॉन, अब फिर इसको लिख दिया तो थीटा स्क्वायर बाय 4, 4 ऊपर आ जाएगा तो 8, एक थीटा कैंसिल तो बचा क्या, थीटा माइनस 2 थीटा स्क्वायर अपॉन थीटा, देखिए कैंसिल किया तो 1 माइनस 2 थीटा, थीटा की लिमिट 0 दिए तो करेक्ट आंसर इज 8, राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल, देखिए आप दो सर्कल दिए हैं, कॉमन टेंजेंट बोला है, बहुत ही सिंपल लॉजिक है, सेंटर से दोनों सेंटर के डिस्टेंस देख लीजिए क्या, इसका सेंटर है 2.5, अगर इसका मैं रेडियस देखूं तो 1 प्लस 16 प्लस 23, राइट, तो ये हो गया 17 रूट 40, यानी रूट 14 को चाहें तो आप लिख सकते हैं 2√10। यहां पर आए, इसका रेडियस निकालिए, देखिए 4 प्लस 25 माइनस ऑफ 9 यानी √20, यानी इसको लिख सकते हैं 2√5, क्लियर है बात। अब दोनों सेंटर का अगर मैं डिस्टेंस निकालूं तो उससे मुझे कंक्लूजन मिल जाएगा, C1 C2 निकाला तो 9 प्लस 5 प्लस 4 9 81, यानी एक तरह से हो गया √90, राइट, √90। अब √90 की अगर मैं आपसे वैल्यू की बात करूं तो √90 की वैल्यू करीब करीब होगी 9 point something, राइट, 9 point something। तो अगर हम यहाँ लॉजिक से देखें तो रूट 40 की वैल्यू हुई 6 point something, रूट 20 की वैल्यू हुई 4 point something, राइट, अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो ये 10 point something है, इन दोनों को सबट्रैक्ट कर दूं तो 2 point something है, यानी दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इंटरसेक्ट जब भी करते हैं तो नंबर ऑफ टेंजेंट होती है 2, राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, द सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ऐसा सोच लें 2xy dy by dx, या ऐसा भी बोल सकते हैं dy by dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy, राइट, अब इसको चाहें तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं कि आप ऑप्शन को डिफरेंशिएट करें, ये वाली फॉर्म मिलना चाहिए, मेथड से करेंगे तो सिंपल y की जगह क्या रखते हैं vx, तो आपने रखा vx, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर, डायरेक्ट टेक्निक बताएंगे 2b, राइट, ये b ट्रांसफर हुआ तो माइनस v, तो x इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2b, यानी लॉजिकली हम ऐसा भी बोल सकते हैं 2b अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, इंटीग्रेशन कर दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन है तो माइनस लॉग 1 माइनस वी की वैल्यू रखते हुए चलिए इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी भी बोल सकते हैं, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि माइनस ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ लॉग एक्स इक्वल टू सी, एक एक्स कैंसिल हो जाएगा तो ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस चला गया तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू सी, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स इज अ राइट आंसर, राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। बिल्कुल सिंपल होमोजीनियस फंक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन था, होमोजीनियस फंक्शन में आपको टेक्निक्स बताई है कि अगर इस फॉर्म का क्वेश्चन हो तो उसको थोड़ा यूज करना चालू करें टेक्निक्स, जो कुछ बेसिक कंसेप्ट बताएं, वी की जगह वाई की जगह क्या रखना है वी एक्स, तो ट्रिक ये है कि वाई की जगह वी और एक्स की जगह
1 रख के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन थ्रू द फोकस ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री टू द एक्स एक्सिस. सिंपल सा क्वेश्चन है. ये एक पैराबोला है, इस पैराबोला के फोकस से जा रहा है यानी माइनस 1, 0 और एंगल 120 डिग्री दिया है बस. तो पासिंग थ्रू वन पॉइंट y माइनस वाई वन इक्वल टू एम टेन 120 की वैल्यू माइनस रूट 3 इंटू एक्स प्लस 1, या ऐसा भी बोल सकते हैं y प्लस रूट 3 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 इज अ राइट आंसर. राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन.